अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एसएबी न्यूज़ और मैं हूं अनीला कमल। डेरा मुराद जमाली के करीब जमीन के तनाज़े पर जतक, दो कबाइल के दो ग्रोहों में तसादुम, फायरिंग में दो अफराद जां बहक, तीन जख्मी। देखते हैं सोहबतपुर से अता मोहम्मद खोसा की रिपोर्ट। डेरा मुराद जमाली के करीब कैदी शाह के इलाके में जमीन के तनाज़े पर जतक कबाइल के दो ग्रोहों में तसादुम हुआ। दोनों फरीकैन में एक दूसरे पर जदीद एक से फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में पांच अफराद, जिनमें हाजी अब्दुल अजीज उर्फ काका, मोहम्मद इस्माइल, नुरेज, फिरोज और मोहम्मद याकूब शदीद जख्मी हो गए। वकुआ के बाद मुखालफीन के असलाह बरदार अफराद जाए वकुआ से फरार हो गए। वकुआ की इतला मिलने पर डेरा मुराद जमाली सदर थाना की पुलिस जाए वकुआ पर पहुंच गई। पांच जख्मियों को सिविल अस्पताल डेरा मुराद जमाली पहुंचा दिया, जहां पर हाजी अब्दुल अजीज उर्फ काका जतक और मोहम्मद इस्माइल जतक जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए, जबकि तीन जख्मियों को इंतहाई तशवीशनाक हालत में लाड़काना सिंध रेफर कर दिया गया। दूसरी जानिब जहां बहक होने वाले दोनों अफराद की लाशें पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। दोनों अफराद की लाशें गांव पहुंचने पर कहराम मच गया। आखिरी इतलात के मुताबिक ताहाल वकुआ का कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। मजीद खबरें देखने के लिए देखते रहें एसएबी न्यूज़। फॉलो करें एसएबी न्यूज़ को यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर।